कल हैरान कर दी थी, उन्होंने सवाल ये था कि कल दुबई से फोन आया जी जी, तो वहाँ किसी मौलवी ने सवाल किया, ये बताओ इकबाल सदीक जो तारीख मारेगा जी, जो माई हवा और आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे थे वो तो बहन भाई थे ना, तो फिर शादी कैसे हो गई? कि हमको ये सवाल बन में आ नहीं रहा जवाब, क्या भी वो पता नहीं किस फिरके का मौलवी है, वो कहता तो हम इसको जवाब आगे दो, वो बहन भाई की शादी कैसे होती है। तो फिर उनको बताया कि कुछ बच्चे आदम अलैहिस्सलाम ईरान से निकलते थे, जिस तरह हमारे कंचमैन लोग पानी पीते हैं ना, जरासीम जी जी, जरासीम एक बड़ा कीड़ा बन जाता है, तो यहाँ ईरान से निकलते हैं। अच्छा, अभी भी ईरान की तरफ गंदा पानी पीते हैं, तो कुछ बच्चे मई हवा की ईरान से निकलते थे, इसमें मादा तौलीद नहीं था, मादा तौलीद की वजह से बहन भाई है ना। हाँ जी जी सर, बिल्कुल सही। तो जरासीम इसका खून का अलहदा जरासीम, उनके खून का अलहदा जरासीम, मादा तौलीद नहीं है, उससे फिर उनकी शादी हुई। और बाकी जो वैसे पैदा हुए उसके बाद जो हुए ना, वो मारे तौलीद से हुए, वो बहन भाई थे, उनमें बहन भाई के, उनमें बहन भाई, ये बहन भाई नहीं थे। अल्लाह, इस तरह हुए सर, ऐसे तो बेशुमार रात हो गए जब तक जो ना यहाँ ही नहीं हुए, तो उनके वक्त कब आएगा खुलने का? अब तो थोड़ा सा पूछ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं। कभी सवाल चलता, कभी बंद होते रहता है, अपना काम भी देखते हैं, बिल्कुल मोमन तो नहीं हो गया ना। तो रानी में से भी होते थे और पेट से भी होते थे? नहीं, जो पेट से हो गए ना वो बहन भाई हुए, रानों से हो गए ना वो बहन भाई नहीं है। जैसे सर, अभी आपने तस्करा समय अम्बिया अलैहिस्सलाम के तमाम सात अलफाज के जिक्र भी यही है, तो दीदार तक तो कोई नहीं पहुंचा है, तो याहू के जिक्र जो चलते थे उनके, तो उसको उनको क्या नहीं 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 चलते ही नहीं, चलते ही नहीं थे याहू, चलते ही नहीं थे छह लताई वाले थे, नक्शबंदी जैसे छह लताई थे तमाम थे, नक्शबंदी भी याहू में पहुँच अन्ना में पहुँचे ही ना, क्योंकि नक्शबंदी को इस जगह दीदार भी हुआ, फिर खाब के जरिए हुआ ना। अच्छा, क्योंकि अन्ना में पहुंचा ही नहीं, तो काजी अन्ना में पहुंचा ना जी, इसको दीदार हुआ तो होशोहाश में हो गया ना, सुभान, आंखें बंद करी दीदार हो गया ना, वो सिर्फ इसकी वजह से, तो नक्शबंदी को सोना पड़ा तब दीदार हुआ, क्योंकि वो छह मानते हैं लगता है जी जी, लेकिन है सात, वो इसको बोलते हैं सुल्तान उल अज़्कार बोलते हैं सात लोग जो ना दिमाग वाले, अन्ना तो मानते नहीं, मखलूक नहीं मानते, मखलूक नहीं मानते सरकार। तो ये थोड़े से और खोलनी पड़ेगी बात, कि जैसे गौसे जमा है, ये कुतुब है, अब्दाल है, 360 का जो हमला है, ये तो तजल्ली में तो है ही नहीं, अगर वलायत में आप फरमाते ना कि ये बगैर तजल्ली के वली, तो फिर इनको वली कैसे माना जा सकता है अगर तजल्ली नहीं है? मतलब है, ये मरतबा है ना अल्लाह की तरफ से जी, एक तजल्ली होती है, एक मरतबा होता है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, तजल्ली उसके खास दोस्तों के लिए है। अच्छा, तजल्ली के बाद फिर हलाम है उसका। अच्छा, वो उसके खास खास के लिए, क्योंकि अलाम के बाद रही होती है। अच्छा, तो बंदी हो गई, बंदी लंबी के लिए होती है जी, तो कुछ जो है वो मर्तबे वाले हैं, मर्तबे का लिख के दे दिया ना। अच्छा, तो लिख के दे दिया, इसको इंस्पेक्टर लगा दो, बन गया, उसके इख्तियार मिल गया ना जी, ठीक। लेकिन वो सदर से बातचीत तो नहीं है ना। अच्छा, ड्यूटी में लगे, उनसे बातचीत नहीं है, बातचीत नहीं, तो तजलियात वाले हैं, उसके बातचीत में भी है, ड्यूटी में भी है, यानी उनके ताल्लुकात जो है वो की पोस्ट पे भी है, वो डायरेक्ट भी है, उसके डायरेक्ट नहीं है, उसके डायरेक्ट, ये जो नासूती वाली होती है ना, ये डायरेक्ट नहीं है, ये मर्तबे वाले हैं। सरकार फिर रोसपाक रजी अल्लाह ताला ने जो है वो भी, वो भी उधर भी था ना, इधर भी था ना सिलसिला, थे तो भाई, इधर मर्तबा भी था ना जी, उधर तालक भी था ना, दोनों चीजें, दोनों चीजें थी ना, तब आप गौस आजम कहलाए ना जी। अब फिर ये भी गौस है, फिर इनमें तुम्हें क्या फर्क है, ये भी गौस, वो भी गौस जी जी, वही उधर भी रहते, इनका उधर नहीं है सिलसिला, सिलसिला नहीं था।
सवाल जैसे जिक्र कुर्बानी के बाद जब तक कि तजल्ली ना पड़े अल्लाह ताला की, आदमी बनी नहीं बनता, तो फिर जो गौस कुतुब अफ़ज़ाल जैसे ये फिर इनके सिलसिले कैसे होते हैं, इनको कहीं और से कोई और तजल्ली पड़ती है? सिफाती होता है। अच्छा सिफाती। मीनार नूर में लिखे ना आपने कि लतीफ़ा कल्ब पर अगर तजल्ली पड़ेगी तो आदम अलैहिस्सलाम के कदम पे, और रूह पे पड़ेगी तो फ़लाने नबी के कदम पे, तो इनके सिलसिला सिफ्त के साथ है, सिफात के साथ। सिफाती अच्छा इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम जैसे अगर वो भी इन मराहिल से गुजरेंगे, ये जितने हैं कोई भी बच्चा अम्मे में पहुंचेगा लक्षार बनने के लिए जी, तो पहली दूसरी पढ़नी पड़ेगा ना। हाँ पढ़नी तो पड़ेगी। लक्षार बन जाएगा बनेगा, सबको इन मराहिल से गुजरना पड़ता ना, असा के गौस पाक को भी गुजरना पड़ा ना जी। हाले आप माधे जात वली थे जी, तो माधे जात वली थे फिर जंगलों में जाने की क्या जरूरत थी, वो इन मराहिल के लिए जंगलों में गए ना, मरहल से गुजरे। उनमें कोई खास सरकार चीज होगी आम आदमी से अलग हटके हुई किसमें? हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम में। मतलब अब हर दुनिया के हर आदमी की ख्वाहिश है कि मैं इमाम मेहदी हूँ, हर आदमी की ख्वाहिश है जी, ये ख्वाहिश क्यों नहीं कि मैं ईसा हूँ? हाँ जी, ये किसी को भी नहीं सर। हमें बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे जी जी, इमाम मेहदी भी आएंगे जी, तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि मैं ईसा बनूँ, ये कहते मैं इमाम मेहदी बनूँ? लोगों ने दावे भी किए ईसा की नहीं कही, इमाम मेहदी, इमाम मेहदी जी। सिर्फ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने कहा कि मैं ईसा भी हूँ मेहदी भी हूँ, दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ें। अब इमाम मेहदी जिसके लिए हजूर पाक रोए भी हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की जी जी लंबी हदीस कि मैं उनको लिए रोता हूँ। अच्छा, ये फकत उनके लिए, सिर्फ उनके लिए। अल्लाह वहाँ जिसके लिए इन्होंने जिनके लिए कर दिया, थोड़ा सा फर्क ये फर्क। अच्छा जिन मकसद है जिसके लिए, जिसको एक जूं काटे जी तो 70 उम्र का सवाब मिले जी, वैसा है ना? बिल्कुल ऐसे जी, कई हजों का सवाब, हजों का सवाब मिले जूं काटने से जी। अल्लाह, तो फिर मतलब वो चीज़ क्या होगी? वो सर वो एक न्यारी चीज़ है जी। अल्लाह, आज तक ऐसा हुआ नहीं जैसा वो होगा इमाम मेहदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक किसी नबी का पीर नहीं हुआ जी सर। हुआ नहीं हुआ? इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम का पीर हुआ। अल्लाह, वो उनसे बैठ होंगे तो न्यारा काम है ना। सही बात, उसकी क्या करामत भी न्यारी होगी। सुभान अल्लाह, तो उसकी तालीम भी न्यारी होगी। अल्लाह, उसकी तालीम ऐसी होगी कि हर मजहब और फिरका उसको तस्लीम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई झुठला नहीं सकेगा उनकी तालीमात से। हाँ, कोई इब्तदा में तो मुखालफत उनकी भी होगी या नहीं? सुना है कि सबसे पहले उनकी मुखालफत जो ना मौलवी करेंगे, हाय उसके बाद पुलिस उनके पीछे लग गई। अगर इमाम मेहदी है, अभी कोई भी दावा करता ना जी, कितना खड़ा हो चुका है ना इमाम मेहदी का इससे पहले भी, अब कोई भी कहता मैं मेहदी, पुलिस के पीछे लग जाती है ना कि नया फितना खड़ा कर देगा ये, कोई ऐसी करामत दिखा अनोखी जी जी। अगर वहाँ से बच गया ना जी, तो फिर तुम्हारे इस्लामी ममालिक जो है ना जी, वो उसके पीछे लग जाएंगे। अगर उनको लगने की क्या जरूरत? उनको नजूमी ने ये बताया, हदीस में भी है कि इमाम मेहदी उनकी सल्तनत छीन लेगा। वो कह रहे जहाँ भी पता लग जाए इमाम मेहदी उसको कत्ल कर दो ताकि ये सल्तनत हमारी ना छीने। सारे अपने चक्कर में लगे, इस इनमेल से गुजरना पड़ेगा ना उसको। वो तो वो भी परेशान भी हो जाएंगे ये सारे हालात देख के। अल्लाह मदद भी करेगा ना, जो बनाएगा वो मदद करना भी जानता है। उनकी सिर्फ इब्तदा से उनको कैसे पता लगी पब्लिक के अंदर जो आया होंगे एकदम? कोई नहीं, बस इस हजूर पाक को किसने पहचाना, आखिर में पहचाना जी जी। अगर हजूर पाक को पहले पहचान जाते थे क्यों बकरियां लोग रहते चराने के लिए जी, पहचाना गया। और आस्ता आस्ता फिर लोगों ने कहा ये सच्चे हैं जी, ये अमीन है, फिर अमीन नाम हुआ, सादिक हुआ, सच्चे नबी तो किसी ने कहा ना जी जी। फिर आखिर में जाकर ना बहुत उतरी सब ने तस्लीम किया ना। सही बात, तो ये सिलसिला मोहम्मद अलैहिस्सलाम का होगा ना। अगर उनके सिलसिला आने के बाद दुनिया में जितने बाकी सिलसिले सब खत्म कर दिए जाएंगे, मैं भी सिलसिला बस
सिलसिले में भी सारे सिलसिले उसी में जम हो जाएंगे, के सब मजहब जो है ना वो भी उसी में जम हो जाएंगे, सारे जितने जितने मजहब हैं ईसाई हिंदू सिख सब उसी में जम हो जाएंगे। उसकी तारीफ ऐसी होगी कि हर मजहब वाला खुश खुशी उसको तस्लीम कर लेगा, हर मजहब वाला। क्योंकि अभी मुसलमानों में कैसे वो बरेलवी सुन्नी को नहीं मानता, वो जो सुन्नी है दूसरा वो उसको नहीं मानता, जी 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 मुसलमानों में बहतर फिरते हैं ना जी, तो ये आपस में नहीं निपट सकते हैं, सिखों से क्या निपटेंगे, क्या निपटे? तो उनका ये होगा वो सारे आलम के लिए होंगे ना, उनका ईसाई भी इंतजार कर रहा है, यहूदी भी इंतजार कर रहा है, अल्लाह अता के सिख भी इंतजार कर रहा है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद आएगा। तो ये जो अंग्रेजों की पेशन गोई है जी, इसमें ये है कि मुसलमानों में से अच्छा मुस्लिम बाकी कहते हैं हम में से होगा, हम में से होगा, उसे अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमानों में से होगा। तो जब मुसलमान अंग्रेजों ने कहा मुसलमानों में से होगा, तो फिर शिया मुसलमान शिया जो ईरान वाले जी जी उन्होंने फिर यौम वलादत मनाया। अच्छा तो पैदा तो हो चुका है पता नहीं कहाँ है, चलो कहीं भी है उसका यौम वलादत मना दो। उनकी देखा देखी पाकिस्तान में मना रहे हैं शिया का जी, लेकिन इतना सब मजहब ये कह रहे हैं कि इमाम मेहदी आ चुके हैं, इल्म नजूम वो भी कह रहा है, जो भी इल्म है इल्म जुफर वो भी कह रहा है, इल्म सारे कह रहे हैं, सब इल्म ही है, बस अचानक अफजा होने की बात है। तो जो जहर ही होंगे तो कोई जबरदस्त ताकत देगा ना अल्लाह ताला जी, वरना कौन मानेगा इमाम मेहदी जी सर। लेकिन दाढ़ियों के हिसाब से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं जो इमाम मेहदी की दावे करे बैठे हैं, बड़े बड़े मोटे चौड़े यहाँ गरीब शेख आए थे ईसा इब्न मरियम हूँ।